नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स और मैं हूं आपके साथ अंकित चंदेल और आज जो गेस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा खास हैं क्योंकि ये हैं कला स्टार क्योंकि कलाकार भी हैं और स्टार भी हैं तो आज कला स्टार अश्विनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी आ, वेब सीरीज़ आई है जो बम्बई मेरी जान आप सभी ने इसको देखा होगा काफ़ी ज़्यादा प्यार भी दिया होगा और और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं लेके आने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इस वेब सीरीज़ को रिस्पॉन्स दे रहे हैं काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं और हाइएस्ट सर्च की जाने वाली वेब सीरीज़ है बंबई मेरी जान अमेजोन पर तो बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी

पर्सनल मैसेजेस भी आ रहे हैं और आई मीन इट्स फिनल जी जब आप के पास ये आई स्क्रिप्ट आई और फिल्म आई तो उस दौरान कैसा आपका रिएक्शन था और जो आपको पता चला कि इतने सारे पॉइंटर्स इसमें हैं इंडस्ट्री के जो आपके साथ काम करेंगे तो स्क्रिप्ट सिलेक्शन का किस तरह से आपके माइंड में है टू बी ऑनेस्ट मैं मैंने कोई स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं की थी आई वॉज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन बाई द कास्टिंग कंपनी कास्टिंग बे आई ऑडिशन फॉर इट एंड आई थिंक दो महीने तक फिर कोई खैर खबर नहीं पूछी किसी ने और मैं भी भूल गया था एंड देन वन फाइन डे आई गॉट ए कॉल कि भाई आप इस कैरेक्टर के लिए लॉक हो गए हो और क्योंकि मुझे ब्रीफ़ पता था उस कैरेक्टर का स्टोरी में वो क्या पार्ट प्ले कर रहा है आई लाइक आई लाइक माई पार्ट तो इसलिए मैंने हाँ भी किया बट जब जब आप फाइनली सीरीज़ देखते हो जिस तरह से वो निकल के आ रहा है जिस तरह से लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया और प्यार दिया है वो मैंने कभी नहीं सोचा था वो मेरे लिए बहुत ही आ, अच्छा तो लगता है सरप्राइजिंग भी था और भी क्राइम थ्रिलर हैं या क्राइम सीरीज और भी बहुत सारी बनी है और आपका पहली वेब सीरीज़ भी ये है तो जब आप जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी उनको किस तरह से स्टोरी में क्या अलग अंदाज जो है आपका देखने को मिलेगा सी आई एम श्योर इस टॉपिक पर बहुत सारी फिल्में पहले भी बन चुकी हैं बट जो लॉन्ग फॉर्मेट वेब सीरीज़ का है उसे हम Uh, उसमें हम बहुत सारे और डायनामिक्स को भी एक्सप्लोर करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप्स uh, अगर आप सीरीज़ में देखें तो पहले तीन एपिसोड तक तो दारा इंट्रोड्यूस ही नहीं होता है द फर्स्ट थ्री एपिसोड आर ऑल अबाउट द दिक्कसटीज़ एंड द सेवेंटीज़ एंड यू नो प्रोग्रेशन टूवर्ड्स द एटीज वो कभी इतना डिटेल में एक्सप्लोर नहीं हुआ है ऑल्सो पर्सनल रिलेशनशिप्स लाइक माई कैरेक्टर यू नो फ्रेंड एंड द गर्ल फ्रेंड्स एंड द एल्डर ब्रदर ऑल दीज व नेवर एक्सप्लोर्ड इन फिल्म क्योंकि टाइम बाउंडेशन भी होता है ना दो घंटे की फिल्म है आप कितना दिखा दोगे तो उस उस एस्पेक्ट से अगर मैं बात करूँ तो ये इस इस टॉपिक पर पहली सीरीज़ है पहली वेब सीरीज़ है एंड याद आई मीन लोगों को इन डेप्थ डिटेल में ये सब चीज़ें देखने का मौका पहली बार मिलेगा आपने मेंशन किया कि 60s और 70s की बात है तो उस मैं देख रहा सेटअप जो है बड़े बेहतरीन तरीके से आपने दिखाया और वो आ, स्क्रीन पे भी बहुत बेहतरीन तरीके से लग रहा है तो वो किस तरह का ऑन वहाँ पर भी एक्सपीरियंस और कैसे मैनेज हुआ वो सब इन द होल क्रेडिट गोज टू नितिन गायकवाड़ और प्रोडक्शन डिजाइनर उन्होंने पूरा शहर बना दिया था वो सेट नहीं था वो पूरा शहर था आई रिमेम्बर uh, जब आप वहाँ पर घुसते हो सेट में घुसते थे कुछते ही आपको लेफ्ट और राइट अलग अलग शॉप्स हैं अलग अलग सेटअप्स लगे हुए हैं एंड द मोमेंट यू एंटर एंड यू स्टार्ट वॉकिंग यू फील लाइक आप आप एक अलग ही एरा में हो आप सिक्सटीज सेवेंटीज में पहुंच गए हो तो बहुत ही अमेजिंग था वो और uh, आपको कुछ इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है सब आपके सामने है सो दैट एज एन एक्टर मेरा जॉब काफ़ी आसान हो गया था क्या जब सब कुछ सामने देखने को मिल रहा है तो कुछ इमेजिन करने तो ने तो ने। ऐसे होते हैं प्रोडक्शन वाले पूरा स्पाइस बॉक्स उनके पास होता है और पूरे फिल्म का नजरिया बदल देते हैं आ, बात की जाए तो आपके सफरनामे पे मैं पढ़ रहा था कि आप इंजीनियर भी हो आपने कॉर्पोरेट में भी काम किया है एंड यू थोड़े, थोड़े जी 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 और आपने दोनों ही वो देखे हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी देखा और मीडिया भी देखा है मतलब तो जो ये आपका फिल्म का पूरा बॉलीवुड में आप आ चुके हो तो उसके बाद एफ यू पास बहुत वो मैं आपको बता दूं बहुत मुश्किल से एफ़ में एडमिशन मिलती है ये भी पता होना चाहिए आपको जो देख रहे हैं तो वो सफ़र और जब आप वहाँ थे तो आपने कभी सोचा था कि मैं इतने मुकाम तक पहुँचूँगा मैनीफेस्ट किया था मुझे नहीं लगता मैं अभी भी किसी मुकाम पे हूँ बहुत मंजिलें और भी हैं अभी बट एफ uh, एक बहुत अच्छा स्टार्ट था मेरे लिए uh, बहुत कुछ सीखने को मिला डिसिप्लिन और बेसिकली सेट की एक जो सेंसिबिलिटी होती है अगर अगर मैं उससे अपरिचित रहता तो शायद यू you नो know, uh, एक प्रोफेशनलिज्म सीखना जरूरी होता है आपको वो मुझे एफ ने सिखाया क्राफ्ट मुझे एफ ने सिखाया काफ़ी टॉलरेंट बनाया एफ ने मुझे क्योंकि इट्स इट्स अ मल्टी कल्चरल स्पेस सो यू यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू बिकम रियली अवेयर ऑफ देयर प्रैक्टिस इज वेलो यू बिकम मोर टॉलरेंट एंड बहुत हम्बल बनाया तो ये सब चीज़ें सीख के अगर आप बॉम्बे आते हो तो मुझे लगता है आप आपका फोकस जल्दी बनता है काम के प्रति एंड आई थिंक दैट दैट रियली हेल्प मी गेट डिसेंट अमाउंट ऑफ वर्क गुड़गांव से आप बिलोंग करते हैं और ये दिल्ली एन वाले आर आपने यहाँ पे तो लाइफ जी होगी तो कभी कॉलेज टाइम में जो फिल्म है क्राइम पे है। लेकिन कभी बदमाशी बदमाशी गई है कभी स्कूल कॉलेज में क्योंकि हरियाणा वाले बड़े फेमस हैं कि यहाँ भी बदमाशी और टोरा होना चाहिए पूरा एक कोशिश तो की थी बदमाशी करने की <laughs> फिर कैसी हो? लड़के वड़के जमा करके गैंग वैंग हाँ बस ज़्यादा नहीं मतलब थोड़ा बहुत ही हाँ और इस फिल्म में आप जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं और जो दारा जी हैं उनके आप फ्रेंड हैं तो पहले बात तो वो करेक्टर के लिए किस तरह की आपने मेहनत की या किस तरह से जब करैक्टर को अपने अंदर ढाला उस चीज़ को देखिए हमारे पास टू बी ऑनेस्ट बहुत टाइम था ट्वेंटी ट्वेंटी में स्टार्ट हुआ शूट और दो साल लॉकडाउन के थे तो मैंने घर पर इतनी बार वो सीन्स अपने दिमाग में रन कर लिए थे कि दे स्टार्टेड टू फील ऑर्गेनिक टू मी तो वो मेहनत जैसा मेहनत लगी नहीं मुझे uh, हमारे वर्कशॉप्स हुए थे शूट से पहले जिसमें हमें डायलेक्ट पर काम कराया गया था जो सेवेंटीज़ का जो बोलने का लहजा एक तरीका था और जिस तरह जिस एरिया से जिस जिस सोशो कल्चरल बैकग्राउंड से ये लोग आते हैं दे हैड टू साउंड डिफरेंट द टेक्स्चर ऑफ द वॉइस रियली मैटर टू मी नो वो एक ऐसा आज के टाइम का शहरी लड़का नहीं लगना चाहिए तो मैंने उस चीज़ पे थोड़ा अपने लेवल पे काम किया बाकी हमारे जो वर्कशॉप्स हुए उसमें हुसैन भाई अब्बास भाई शुजात सर इनके साथ बैठ के हमने इन इनकी कहानियाँ सुनने में बड़ा मज़ा आता था और साथ साथ हमारी वो एक डायलैक्ट की यू नो प्रैक्टिस भी होती रहती थी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल दी एक्टर्स वुड टॉक टू ईच अदर इन द सेम मैनर ऑफ सेट एंड ऑन सेट कोविड के टाइम पे भी जब कभी बात करते थे वीडियो कॉल करते थे या फोन कॉल करते थे ऐसे ही बात करते थे कभी ऐसा लगा नहीं कि प्रेप चल रही है बहुत ऑर्गेनिकली बस चलता गया चलता गया चलता गया और वन फाइन डे यू गो बैक टू सेट एंड यू फील एट ईज यू फील लाइक कि आपने कली की तो बात है तो पूरा हाँ तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि प्रेप प्रेप कर रहा हूँ बस या yeah, that's my थिंग आई guess आई जस्ट try टू रिलैक्स एंड लेट इट लेट इट फ्लो देखा भी हमें सीरीज में अब uh, मैं बात करना चाहूँगा आपने मेंशन किया कोविड का टाइम मैं एक्चुअली बाकी एक्टर्स के बारे में बोलना चाहूँगा कि उन सभी के परफॉर्मेंसेज इतने इंस्पायरिंग हैं और इतने अच्छे हैं कि यू you नो know, जब आप ग्रुप में काम कर रहे होते हो अगर uh, सभी अच्छा कर रहे हैं तो आपको मोटिवेशन भी मिलता है और आपका काम बहुत आसान हो जाता है भी भी। तो वो मुझे एक्सपीरियंस करने को मिला क्योंकि ऑल द एक्टर्स आर सो अमेजिंग दैट इट डेंट फील लाइक कि हाँ यार मुझे कुछ ज़्यादा करना भी पड़ेगा जी। सुझाद आपने सुजात सर की बात की और भी इसमें आपके सीनियर एक्टर्स काफ़ी इस फिल्म में हैं के के मैन सर हैं तो हाउ हाउज यू इक्वेशन विद ऑल ऑफ देम और किस क्या क्या क्वालिटीज़ आपने ग्रैप की सबसे इक्वेशन देखो हम लोग सेट पर जब थे तो एक दूसरे को कैरेक्टर्स के नाम से ही बुलाते थे तो के के सर अस वज अबू चचा और आई डोंट थिंक ही उन्होंने कभी ऐसा बोला कि मुझे ऐसे मत बुलाओ ही सीम लाइक अ वेरी हम्बल पर्सन वेरी लाइक वेरी नाइस पॉजिटिव गाय बाकी उनको जब काम करते हैं आप देखते हो मेरे बहुत ही कम सीन्स हैं उनके साथ बट अगेन मैं एक और मतलब आई गेस मैंने ये बहुत बार बोल दिया बट एक सीन है जिसमें ये सब भाई और uh, हबीबा मेरे घर पे खाना खा रहे हैं और uh, के के सर आते हैं विद एन इंटेंशन ऑफ बीटिंग दारा द मोमेंट ही वॉकड इन वो इतने चार्जडअप थे उनकी एनर्जी ऐसी थी कि मैं वहाँ बैठा हुआ मुझे ही डर लग गया कि यार ये इनके साथ साथ मुझे भी ना मारते कहीं तो वो मैंने वो मैंने फील किया कि यार यू नो इट्स लाइक एन एक्टर इज़ वॉकिंग ऑन सेट यू नो यू नो द सीन आपने सीन पढ़ा है कई बार आपको पता है कि क्या होने वाला है सीन में आपको फील फीलिंग लेवल पर शायद जब तक वो बोले ना तब तक शायद आपको फील भी ना हो बट ऐसा बहुत रेयर होता है कि एक आदमी बस घुसा है सीन में और आपको लगा कि अब तूफान आएगा तो ये चीज़ पता नहीं मैं सीख पाया कि नहीं बट ऑब्जर्व तो मैंने ज़रूर की कि कैसे की जाती है वो मुझे नहीं पता आई थिंक प्रैक्टिस एंड यू नो इट्स द मास्टरी ऑफ द क्राफ्ट टू बी ऑनेस्ट Uh, सबसे पहले तो जो आपका रोल था और इतने आप बड़े लेवल पे लॉन्च भी हुए हो तो उसकी बात की जाए तो uh, आपके पेरेंट्स का किस तरह का रिस्पांस था और वो क्योंकि ये सपोर्ट सिस्टम हमारे वही होते हैं तो उनका कैसा रिएक्शन था जब उन्होंने ये सीरीज़ देखी और क्या बोला बहुत खुश हैं वो बट उनसे वो एंड वाला वो वा सीन नहीं देखा गया <laughs> तो <स्वाइलर> मत <laughs> अभी तक अगर आप देख लो यार सीरीज अब और कितना वेट करोगे बट हाँ वो वो सीन को छोड़ के बाकी उनको सब पसंद आया मतलब अब अकेले में जाके पता नहीं देखा कि नहीं बट दे कोडेंट वॉच इट ऑन टी वी बट दे आर वेरी हैप्पी दे लाइक माई परफॉर्मेंस दे लाइक द होल सीरीज और क्या चाहिए यार आपको अपने दोस्तों से पेरेंट्स से जिस मतलब दस साल पहले मैं घर से निकला था इट विल भी टेन ईयर्स बाई द एंड ऑफ दिस ईयर सो Finally I'm I'm I I think I'm getting the validation that yes I was on the right track. बिल्कुल आप अजय सर के साथ अपने काम किया और उसके बाद 2020 में फिर आगे फिर और भी सफर नामा चलता गया तो आपने लॉकडाउन की बात की तो मैंने काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स से इंटरव्यूस करता हूं तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि जो ये लॉकडाउन हुआ था इसमें जो सिनेमा है उसको एक रेवोल्यूशन हुआ अलग तरीके से क्योंकि हमने देखा रीजनल फिल्म्स को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिलने लगी और ऑस्कर भी हम जीत के आए उसके बाद जैसे आप कांतारा देख लो ये सारी फिल्में आप लोग देख रहे हैं पैन इंडिया इस चीज़ को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा चेंज आया है लॉकडाउन की वजह से सिनेमा में थोड़ा सा बिल्कुल आया बिल्कुल आया ऑडियंसिस के टेस्ट ऑल टुगेदर चेंज हो गए अगर आप देखो लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में जितना ओटीटी सक्सेसफुल हुआ उसकी वजह से आज कितने एक्टर्स हम डिस्कवर कर पाए टैलेंटेड एक्टर्स राइट मीन आई डोंट इवन हैव टू नेम देम बहुत सारे एक्टर्स को काम मिला एंड देन देय वॉज अ फेज वेन द फिल्म जस्ट डिसअपियर्ड लाइक पीपल वो नॉट गोइंग टू थिएटर्स तो वी हैड टू री इन्वेंट द स्क्रिप्टी हैसेस द टेस्ट ऑफ द ऑडियंस द यू नो द चेंज्ड टेस्ट दैट द ऑडियंस आर एक्वायर्ड एंड नाव वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन वी आर ट्राइंग टू मेक फिल्म एंड नाओ द फिल्म आर लाइक Like. पहले कभी ऐसा नहीं होता था जी। तुस्त वाराद। तुस्त वाराद। और अभी मैं पूछना चाहूँगा की जिस हमने तो अजय जी से तो मैं तो अभी तक मिला नहीं लेकिन आपसे पूछना चाहूंगा किस तरह के वो हैं और क्या कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ उनके साथ बैठ के ना यू एक्सपीरियंस पीस ही इज़ अ वेरी पीसफुल क्वाइट क्वाइट पर्सन बट व्हेन लाइक आई रिमेंबर दैट यू नो दैर इज़ अ सीन जिसमें मैं और अजय सर एक एक पार्क में बैठे हैं बेंच पे एंड यू नो इट्स फाइनल एडिट में तो इट्स यू नो इट्स वो फाइनल सीन है जो मेरा आई रिमेंबर लाइक वी वर शूटिंग इट अरा अराउंड फाइव थर्टी सिक्स ओ क्लाक इन द इवनिंग विंटर्स द सन वॉज गोइंग डाउन रियली फास्ट और मैं थोड़ा नर्वस था क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी तो मैंने जो मास्टर शॉट में दिया वो शायद अच्छा निकल गया और उसके बाद थोड़े फम्बल हो रहे थे वो एंड अजय सर वॉज सिटिंग वेरी पेशेंटली विद मी एंड देन एक पॉइंट में उन्होंने बोला कि देख तूने जो मास्टर में किया था ना वह बढ़िया था वो कर दे और उसके बाद फिर हो गया मेरे कहा मेरा टेंशन कम हो गया थोड़ा मैंने कहा हाँ मुझे भी ऐसा लगा था और इनको भी लगा पीसफुल क्वाइट क्या एनी नोज इज जॉब यार मतलब yeah. I mean, yeah. उनको पता है कि कैसे uh, काम करना है और आप तो ये पूछना चाहूँगा अपने मैनिफेस्ट तो एक्टर करते ही हैं तो अब ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं एक्टर हैं जिनके साथ फ्यूचर में आ, काम करने का मन है बहुत कि हाँ इनके साथ तो एक मूवी करनी करनी है फिल्म मेकर हो चाहे एक्टर हो जो आपका दोनों बी ऑनेस्ट कि मैनिफेस्टेशन मुझे नहीं आता है जिस तरह से की जाती है बट हाँ ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ मेरे बचपन के जो आइडियल्स थे ऑल द खान्स एंड अक्षय कुमार अजय सर के साथ तो कर ली लेट में आ, अपने सीनियर्स हैं जयदीप राजकुमार राव इनके साथ मैं फिल्में करना चाहता ऑफ कर। तो कर I mean, uh, बैनर्जी के साथ मैं काम करना चाहता हूँ अभी uh, आपसे पूछना चाहूंगा कि वेब सीरीज ओ टी आपने काम कर लिया तो ये कुछ लोग कहते हैं कि ओ टी सेंसर होना चाहिए या ओ टी डी सेंसरशिप होनी चाहिए अगर तो सिनेमा में है तो उसके बाद तो वो चीज़ तो ख़त्म ही हो जाएगी ना कि जो लोग देखना चाहते हैं सच में सर्च करके अगर सेंसर लगा देंगे वहाँ पे सी आई मीन एट एंड ऑफ द डे यू आर एन अडल्ट यू कैन चूज़ वॉट टू वॉच सो यू नो इट्स इट इट शुड बी अ वेरी पर्सनल कॉल कि मुझे क्या देखना है मुझे क्या नहीं देखना है बट क्या दिखाना है ऑल टूगेदर क्या नहीं दिखाना है वो एक बहुत ही इट गेट्स वेरी ट्रिकी लाइक यू नो आई एम श्योर देर आर थिंग्स दैट शुड नॉट बी शोन ऑन स्क्रीन बट अल्टीमेटली यू हैव टू यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीपल आर इंटेलिजेंट इनाफ टू नो वॉट दे वॉन्ट टू सी वॉट दे डोंट वॉन्ट टू सी अपकमिंग so uh, के हैं कुछ अपडेट आपके फैंस के लिए आ, मिलती रहेगी मैं अब अब तो वैसे तो सोशल मीडिया पे इतना नहीं, आ आ, तो वेरी नहीं तो ठीक yeah, है अब अब होना पड़ेगा, पड़ेगा। होना पड़ेगा पड़ेगा शायद बट हाँ वो सोशल मीडिया के थ्रू मिलती रहेगी अपडेट फिलहाल तो ये फिल्म चल रही है तो होपफुली तो एक छोटा सा रैपिड फायर फिर भी रैपअप तो बिल्कुल तो सबसे पहले क्वेश्चन तो आप गुड़गांव हरियाणा के छोड़े हो तो फेवरेट स्ट्रीट फूड हल्दी खाना नहीं पूछूंगी वो तो आपके उसमें नव्स में है ही फेवरेट स्ट्रीट <laughs> फूड गोलगप्पे यार यार पूरी नहीं गोलगप्पे गोलगप्पे गोल 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 uh, उसके बाद आप ऐसी आपकी डेस्टिनेशन फेवरेट जहाँ अभी तक आप गए नहीं है लेकिन यू वॉन्ट टू गो आइसलैंड जाके uh, आइसलैंड जाना है मुझे नॉर्दर्न लाइट्स देखनी है उसके बाद फेवरेट मतलब फेवरेट नहीं ऐसा कोई मोमेंट जो आपको लगा हो कि यार ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ इसको कि वाह पापा मोमेंट ऑफ योर लाइफ जब आपने बोला वाह पापा आप क्या लाइफ है कसम से आज तक ऐसा कभी फील नहीं हुआ, हुआ। होगा आगे होगा मैं नोट कर लूँगा तो उसके बाद मैं पूछना चाहूँगा कि जब भी अश्विनी लो फील करते हैं या जब भी सैड होते हैं तो पेरेंट्स के बाद सब सबसे पहला कॉल किसको जाता है पेरेंट्स के बाद सबसे पहले कॉल किसको जाता है मैं अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल कर देता हूँ उस दिन तुम्हारा काम है मुझे बेटर फील कराना तुम हो किस लिए आ, हम देख पा रहे जैसे कि फिट हैं इतनी ज़्यादा अश्विनी तो वो फिटनेस मंत्रा <laughs> यार मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं खाता हूँ और बहुत जो तुम सोच मतलब सब छोड़ रखा है सब्जी खाता हूँ चिकन खाता हूँ वर्कआउट करता हूँ और अभी कोशिश चल रही है कि टाइम से सो भी जाऊँ और अपने आप को एक्टिव रखता हूँ वॉक बहुत करता हूँ बस और स्ट्रेस कम लेता हूँ तो उसके बाद अभी हम एक्ट्रेस की बात कर लेते हैं तो फेवरेट एक्ट्रेस फ्रॉम बॉलीवुड या फिर जिनके साथ अब काम करना चाहते हैं काम करना चाहता हूँ कोंकणा सेन शर्मा और तब्बू उसके बाद लास्ट ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा कोई मोमेंट बचपन से अभी तक जो आपका रहा है जहाँ पे आपने आपने ये सोचा हो कि अब मुझे एक्टिंग करनी है वो आपका कौन सा पॉइंट था मैं बहुत फ्रेंकली बताता हूँ जिस टाइम पे मेरा एफ में एडमिशन हुआ उस टाइम मेरे तीन बार यू वीज़ा रिजेक्ट हो चुका था मैं पढ़ने बाहर जा रहा था कुछ नहीं कर रहा था मैं लाइफ में बस बाय गॉड्स ग्रेस वो मोमेंट ऐसा था कि एफ में एडमिशन हो गया मेरा एंड दैट्स वन आई रियली डिसाइडेड कि लेट्स गो विद द फ्लो फॉर वंस इन लाइफ Life, life तभी वो मोमेंट था जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक्टर ही बनूंगा और अच्छा अच्छा हुआ रिजेक्ट हुआ नहीं तो हम यहाँ मिल नहीं पाते लास्ट किसी का भाई किसी की जान तो भाई तो अब हमारे हैं जान है आजकल किसी की नहीं हमारे अभी जान अभी नहीं है बम्बई मेरी जान ही मेरी जान है अब तो लास्ट में माइक मैं आपको दूंगा क्योंकि आपने जो रोल प्ले किया है तो आप अपील कर दीजिए आप अपकमिंग आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में भी फिल्म के बारे में जो भी आप कैमरा इज ऑल योर जो भी आप ऑडियंस से कहना चाहते हैं मैं आप सब लोगों से बस ये कहना चाहता हूं कि जो प्यार आपने मेरी सीरीज़ और मेरे कैरेक्टर नासिर को दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा तो यू नो वो इमोशन सारे अभी प्रोसेसिंग में ही चल रहे हैं बट थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच अगर आपने सीरीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ देखिए और बाकी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको पता चलता ही रहेगा थैंक यू सो मी अश्विनी जी हमारे साथ थे और बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके तो आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताएँ और थैंक यू अश्विनी जी फॉर कमिंग अच्छा। अच्छा। जी बिल्कुल तो कैमरा मैन अविनाश के साथ इंडिया न्यूज़ न्यूज़ एक्स डेली